सोमवार देर रात बडाला के टीटी नगर इलाके में कथित तौर पर एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक को बुरी तरह से पीटा गया, उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले। परिजनों ने युवक की मौत के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद टीटी नगर पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मामला रविवार रात का है। सायन कोलीवाड़ा इलाके में रहने वाले विजय सिंह रात को खाना खाने के बाद अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने के लिए निकल गया और अपनी होने वाली बीवी से बात करने के लिए घर से कुछ दूर बडाला ट्रक टर्मिनल तक चला आया। बडाला में जब वह अपनी बाइक खड़ी कर रहा था, तभी उस समय एक कपल पर बाइक की लाइट पड़ गई, जिसपे कपल नजर आ गया और नाराज हो गया। इसके बाद कपल ने विजय से झगड़ा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, उस कपल ने शामिल लड़के ने फोन करके अपने अन्य दो दोस्तों को भी बुला लिया। सभी आपस में मारामारी करने लगे। तब तक किसी ने पुलिस को भी इस झगड़े की जानकारी दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विजय और उसके दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। विजय के घर वालों के मुताबिक लॉकअप में पुलिस ने विजय को काफ़ी मारा और प्रताड़ित किया। इतने में वहां विजय के घर वाले भी पहुंच गए। रात के करीब 2:30 बजे विजय सिंह ने पुलिस से सीने में दर्द होने की शिकायत की और पीने के लिए पानी की मांग की, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। यही नहीं, जब विजय को उसकी माँ पानी देने लगी तो पुलिस ने उसे भी डांटा और वहाँ से भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब विजय के छोटे भाई ने पानी पिलाना चाहा तो पुलिस ने उसे भी मारा और भगा दिया। इसके थोड़ी देर बाद विजय बेहोश हो गया। विजय को बेहोश देख पुलिस ने उसे बाहर निकाल दिया। जब विजय के पिता ने पुलिस से विजय को अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो पुलिस ने कहा कि उनके पास गाड़ी नहीं है। विजय के पिता ने एक टैक्सी की और अस्पताल ले गए। वहां ले जाने के बाद डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। विजय की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने के सामने जमा हो गए और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।